नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं ऑडियो कैसेट तो नहीं है, एक वॉकमैन मिला है मेरे को, और ये वॉकमैन है शार्प कंपनी का है। ये दिख रहा होगा आप, शार्प क्लियर, ये आप देखो शार्प का है ना, कैसेट प्लेयर स्टीरियो ऑटो रिवर्स है ये, और इसमें ये दिया स्विच मतलब आगे पीछे करने के लिए, आवाज़ मोटी पतली करने के लिए है, और ऑटो रिवर्स है ये, और ये है प्ले का बटन, ये फॉरवर्ड का है, ये है रिवर्स का, और ये है स्टॉप का, और ये है बटन लेफ़्ट राइट मतलब डायरेक्शन का, कि आप ए साइड चल रही है तो अगर आपको बी साइड लगानी तो इधर कर दो, और ऐसे ऐसे ऐसे। तो थोड़ा चला के भी दिखाऊंगा मैं इसको आपको। तो ये ऐसा है कुछ आगे से, और ये पीछे मैंने इसमें बैटरी डाली हुई है, और ये इसका होता था कोई नंबर सीरियल, वो मिटा हुआ है, लोहे की प्लेट है ये, और ये है मेड इन, सॉरी इधर से उल्टा लग गया, ये लगेगा आपको ऐसे, मेड इन कोरिया का ये सेट है। तो किसी भाई को चाहिए तो वो ले सकता है इसको, और मैं इसको चला के भी दिखाता हूँ। तो एक मिनट, आप मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका स्पीकर तो इसके अंदर है नहीं, तो मेरे को इसमें अलग से लीड लगानी पड़ेगी, तो उसकी सेटिंग कर लेता हूँ मैं पहले। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू बने रहिए आप। तो गाइज मैंने वॉकमैन सेट कर लिया है ये वूफर के साथ, तो ये मैंने इसकी वायर लगा दी है इसकी, इसमें दो पॉइंट दिए हैं वायर के, मैं वो अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में आपको, ये पहले एक बार चेक कर लेते हैं अपन। तो ये इसके स्विच हैं, और ये कैसेट लगाते हैं अपन इसमें सपने साजन के, और ये लगा देते हैं ऐसे, ये ऐसे तो अपने हिसाब से, तो ए साइड ही लगाइए इसमें, ये डायरेक्शन का बटन दिया उसमें, और थोड़ी सी वॉल्यूम भी कर लेंगे। तो पहले प्ले करते हैं इसको। तो आवाज़ शायद कम आ रही होगी आपको, सुन रही होगी आवाज, क्योंकि इसमें वूफर में आवाज़ ऐसी आएगी इसकी। डायरेक्शन देख लेते करके चेंज, थोड़ी ही आवाज़ कम आ रही है। तो डायरेक्शन के इसमें पॉइंट दिया हो, शायद ये भी रीजन हो सकता है कि पर पॉइंट चेंज, मतलब इसमें दो ऑप्शन दिए हैं लीड के, तो ये भी निकाल लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सा, लेकिन रोकता हूँ वीडियो चेंज करके देख लेता हूँ मैं। तो दूसरी पिन में लगाया इसको मैंने, तो उसमें आवाज़ भी ज़्यादा आई है निकल के, कि देखो हाँ, ये डायरेक्शन के चक्कर है भाई जी, अगर डायरेक्शन उधर करोगे तो इसके अप डाउन करना पड़ता है इसको, पिन को दो ऑप्शन दिए इसमें। तो ठीक है दोस्तों, मतलब ये आवाज़ तो आपने लगभग सुनी ली है इसकी, तो जिस ठीक है, तो आपको जिसको चाहिए तो वो ले सकता है। फिलहाल तो मैं इसको बंद करता हूँ, इसको निकालता हूँ अभी तो मैं, और थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको इसकी। और ये इसमें ऑप्शन है देखो, ये दो, ये इसमें वायर के वोक्स वायर के ऑप्शन है दो, इसमें देखो फोन वन टू, आवाज़ अगर कम आए तो दूसरे में चेंज कर सकते हो आप इसमें। ये वॉल्यूम का बटन है, और ये पावर अगर बैटरी आती है इसमें, और इसमें 3 DC वोल्ट लगता है। तो मेरे पास अडोप्टर नहीं था ऐसा पिन वाला, तो अडोप्टर भी चला के दिखाता मैं आपको। तो ये बैटरी है, और इसका पीछे का ये कवर नहीं है दोस्तों, बैटरी सेल के ऊपर जो लगता है, कभी कल आप बोल लो आपने तो ऐसा बताया नहीं था, तो इसमें नहीं है। तो आप परचेज़ कर सकते हो इसको, ये मात्र आपको 1250 रुपये में मिल जाएगा, और इसका शिपिंग चार्ज रहेगा 100 रुपये ऑल इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये मेड इन कोरिया का है, ये थोड़ा सा इस पर मतलब लोहे की प्लेट है, इस पर लिखे रहते थे मॉडल नंबर वगैरह, वो शायद मिट गए होंगे समय के अनुसार जैसे टाइम गुजरा है। तो ये है बेल्ट वगैरह में लगाने के लिए, और ये आपका शार्प का ऑटो रिवर्स वॉकमैन है, इसको आप परचेज़ कर सकते हो मात्र 1250 रुपये में। और तो इसका मैं कुछ दिखा देता हूँ इसको, इसमें दो पिंचोलर है दोस्तों, अगर दिखते हैं तो आपको, ये देखो दो इसमें वो दिए हैं, ये देखो पॉइंट, मैं देखो इसको भी करता हूँ, ये प्ले का बटन दबा दिया, ये देखो दो पिंचोलर आ गए, एक पिंचोलर चलेगा अगर उधर चलोगे तो उधर वाला स्विच को उधर करोगे तो लेफ़्ट में, तो ये लेफ़्ट वाला पिंचोलर चल जाएगा, और
अगर आप इसको राइट में करोगे तो राइट वाला पिंच रोलर, मतलब कि लेफ्ट साइड राइट साइड जो कैसेट का चलता है वैसे है। तो बाकी दोस्तों देखो ये था वाकमैन, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू, अपना ख्याल रखना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके धन्यवाद।